मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी मनुष्य के पास में या यूं कहूँ कि जीव जंतुओं के पास में भी कुछ साइकिक पावर होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो इस पर हमारे साथ में लगा के भेजते हैं, लेकिन हम इनको यूज़ नहीं कर पाते। ये एक अलग विडम्बना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कोई एक पर्सन ज़्यादा स्पेशल नहीं है या दूसरा पर्सन उससे ज़्यादा स्पेशल नहीं है, आप भी एक स्पेशल हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उन शक्तियों का यूज़ नहीं कर पाते और कुछ जाने अनजाने में जब हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर पाते हैं, लेकिन कॉन्शियसली इसको सोच नहीं पाते, यानी कि इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन ये सारी शक्तियाँ हर एक व्यक्ति के अंदर में हैं, और जो जीव जंतु के अगर उनके पक्ष की मैं बात करूं तो उनके हिसाब से जो होना चाहिए, जो ईश्वर सोचते हैं उनके साथ में भी दी हुई है। वो यूज़ कर पाते नहीं कर पाते वो अलग एक मैटर है, लेकिन आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं इंसानों के बारे में जो वो साइकिक पावर जो ईश्वर ने दी है हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आए। सपोज़ करो कि आप बेड पर सो रहे हो और आपका मुँह दूसरी तरफ को है, यानी कि जिधर आपका दरवाज़ा है आप उधर की तरफ नहीं देख रहे हो, दूसरी तरफ देख रहे हो, लेकिन पीछे से एक कोई पर्सन आता है और वो चुपके से आके वो आपके पीछे देखने स्टार्ट कर देता है, यानी कि आपको निहारने की या कुछ इस तरह से देख रहा है कि जैसे कि आपको ट्रैक कर रहा है। लेकिन इसी बीच में आप ट्रस्ट मी, आप इसको अपने घर पे भी देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चल जाएगा, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप थोड़ी हल्की नींद में हो या आप सोने वाले होंगे, आपको पता चल जाएगा और आप देख लेंगे कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। बल्कि आपका मुंह दूसरी तरफ है, आपकी आंखें बंद होंगी या आपकी आंखें दूसरी तरफ होंगी, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा पीछे का, बट आपकी एक साइकिक पावर उसको इस तरह से देखेगी कि कोई मुझे देख रहा है। कई बार ये चीज़ आपको समय भी लगेगी, मान लीजिए रूम में कोई भी नहीं है लेकिन आप बार बार पीछे हट कर देखोगे तो देखिए एक कुछ एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी दोनों हो सकती है, लेकिन आपकी साइकिक एनर्जी जो है या साइकिक पावर जो है वो आपको बार बार ये बताना चाहती है कि कोई ना कोई आपके आसपास खड़ा है, और हम इस चीज़ को देखते हुए बार बार पीछे आगे की तरफ देखते रहते हैं। इसी के साथ में अगर इसको मैं और डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई आप सो रहे हो या सोने की ट्राई कर रहे हो, आपकी आँखें पूरी नहीं मिची हैं या मिच चुकी हैं, तो उस समय अगर कोई पर्सन आपके रूम में आता है, अगर उसको कोई काम है और वो अपना काम करके चुप चला जाता है, तो देखिए ऐसे में आपको कोई भी उसके बारे में चिंता नहीं होगी या ना ही आप उसके तरफ देखोगे, अंटिल अनलेस आप खुद से ना उठ पाओ या आपकी आंखें खुल जाएं, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं देखोगे। बट जब कोई व्यक्ति आकर कंटिन्यूसली आपकी तरफ को देखना स्टार्ट करता है या आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी आँखें उधर खुल जाएंगी। अब मैं आपको एक उदाहरण ये मैंने आपको दे दिया, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इस चीज़ को आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। मेरे साथ में तो ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है, दूसरे लोगों के साथ में भी करता होगा। अगर जिसके साथ में करता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आपके साथ में भी कुछ इस तरह से होता है क्या, तो मुझे सुन के या आपकी स्टोरी जान के अच्छा लगेगा। इसके साथ में मैं बात करता हूँ कि साइकिक पावर होती कैसे है और ये काम कैसे करती है। देखिए साइकिक पावर कई तरह की होती हैं, जैसे कि मैंने कई बार आपको काउंसलिंग के माध्यम से मैं बताता हूँ या दूसरे तरीके से बताता हूँ कि कुछ जो एनर्जी होती है वो हमें सुनाई देती है, यानी कि उसकी जो कोई मैसेज होगा या कोई बात होगी तो हमें एक ट्यून के हिसाब से सुनाई देगी, साउंड के हिसाब से। इन सारी टेक्निक्स पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इस छोटी सी वीडियो में या यूट्यूब की 8-10 मिनट की वीडियो में मैं सबको डिटेल में नहीं बता सकता, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ जो आपको कहीं ना कहीं एक हिंट दे देगी, एक आइडिया दे देगी कि साइकिक पावर कैसा काम करती है और साइकिक पावर को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए आपने कोई ऐसी स्मेल भी आ सकती है आपको कि वो स्मेल आप समझ जाओगे उसको सूंघते कि ये किसी अपने की स्मेल है या इस स्मेल को आप जानते हैं। अगर आपका उस स्मेल से कोई मतलब नहीं है तो आप इसको नहीं पहचान पाओगे या हो सकता है आप नेग्लेक्ट कर दो या आपका माइंड ही वहाँ तक ना जाए। इसमें एक चीज़ मैं आपको ये कर दूँ, जैसे कि हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग है, इसी हिसाब से हर एक व्यक्ति की स्मेल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर विडम्बना यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा क्लोज है या कोई रिलेशनशिप में रह चुका है, जैसे एग्जाम्पल के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ या यू कहूँ कि मोस्टली ब्रदर एंड सिस्टर,
तो उनको एक दूसरे के अपने फैमिली मेंबर के जो यू कह लो कि ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति होते हैं उनको बहुत आसानी से उस स्मेल का पता चल जाता है। ये स्मेल तब बहुत ज़्यादा आती है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो उसके लिए आप परेशान रहते हो, अगर वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो अपनी स्मेल के द्वारा, अगर आपकी ये एबिलिटी जो है, ये स्किल जो है, जो साइकिक एनर्जी कि एक स्किल होती है, अगर आप उसको ओपन कर लेते हो, इसको प्रैक्टिस में ले आते हो, तो आप इसको इजीली समझ सकते हो कि ये स्मेल किसकी है। कई बार कुछ लोग इसको समझ जाते हैं, मैं बहुत आसानी से समझ जाता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते और उनको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ स्मेल आ रही है लेकिन वो उसको डिकोड नहीं कर पाते कि पार्टिकुलरली आ कहाँ से रही है। इसके लिए आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होती है, वो कैसे करेंगे वो भी हम एक बार डिटेल सेशन बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसके साथ में बहुत सारी इंट्यूशंस हम आती हैं, इंट्यूशंस जो एक पूरी एक साइकिक एनर्जी है या यू कहो कि एक साइकिक पावर है, इसको भी हम पूरा एक प्रैक्टिकली जाके कई बार अभ्यास करेंगे, उस एक्सपीरियंस की वजह से हम इस अपनी एक जो एक पूरी स्किल है इसको निखार सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन जनरली लोग नहीं कर पाते क्योंकि हम थोड़े से समय में थक जाते हैं और हम उन चीज़ों को करना बहुत जल्दी चाहते हैं जिन चीज़ों को हम सामने से कर सकें और ये पता रहा चलता हो कि अब इतना रह गया, अब ऐसा रह गया। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इन आँखों से तो नहीं दिखती हैं, ना हम महसूस कर सकते हैं इन आँखों के द्वारा, तो हमें क्या है कि इनको बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। इसके साथ साथ में मैंने कई बार आपको बताता हूँ कि जब भी आप अपने किसी परिजन से बात करना चाहते हो, आप बोलते हो कि हम कैसे कनेक्ट होंगे, तो मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एक तरीका बताता हूँ कि आप उनके लिए मेडिटेशन कीजिए या उनके उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए, तो वो कोई भी मैसेज होगा तो वो आपके अंदर डाल देंगे। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता या कोई और भी व्यक्ति को हेल्प नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ आप जितना बेहतरीन तरीके से वो अभ्यास करोगे, उस जो स्किल को इन्हेंस करने की कोशिश करोगे, उतने अच्छे से आप कनेक्ट हो पाओगे। अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कनेक्ट होने का मतलब दूसरा है, आप ये मत समझ जाइएगा कि यहाँ पर हम स्पिरिट को डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो इस देश में कम से कम इंडिया में तो बहुत ज़्यादा विडम्बना है, बहुत ज़्यादा लोगों ने मूर्ख बना रखा है और मैं नहीं चाहता कि आप उस रास्ते पर जाओ। इसके साथ में और भी बहुत सारी साइकिक पावर रहती हैं जिसके हिसाब से हम अपने आप को देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बताऊँगा कि देखिए, साइकिक पावर को इन्हेंस करने के लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, हाउ टू रेज योर जो एक एनर्जी का लेवल होता है उसको रेज कैसे कर सकते हैं, ये जो लो एनर्जी रहती है उसको अच्छी एनर्जी में या हाई एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जब भी हम अपनी साइकिक पावर को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसको निखारना चाहते हैं, तो हमें एक अच्छी एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पास में आप सबसे अच्छे एक दावत दे रहे हो उस बैड एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, कि हाँ आइए और मेरे साथ में मुझे परेशान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एनर्जी लो है तो आप एक बेस्ट शिकार हो उसके लिए। और ये मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये निश्चिंत है, ये ऐसा होता है, लेकिन अनटनलनेस आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपके व्यवहार, आपका कर्मा बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ आपके आसपास भटकना भी नहीं चाहेंगी, उनके लिए आप एक दुश्मन का काम करोगे, वो ये कहेंगे कि यहाँ अपना काम नहीं है, यहाँ दूसरी चीज़ों का काम है, लेकिन ये फैक्ट है। और देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो एक बैड एनर्जी या यूँ कहूँ कि अपनी लो एनर्जी की वजह से बैड एनर्जी के आसपास में आ जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं और अपने जीवन को उसी के हिसाब से काटते रहते हैं और वो पूरा एनर्जी जो भी उसके आसपास रहती है, मैं इसको बहुत ओपनली डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस आप समझ जाइएगा, तो उसके साथ में रहना स्टार्ट करती है क्योंकि उन जैसा वो हैं वैसे ही उसको परिवेश मिल रहा आगे और उसी परिवेश में वो रहना शुरू करती है। और ये अगर आपका सवाल आए कि ये आपको सब कैसे पता, तो देखिए सारे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो चीजें मैंने बताई उन उदाहरण को भी आप अपने हिसाब से करके देख सकते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। इसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए एनर्जी का हाई होना बस सिर्फ इस सब के लिए नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हाई होना बहुत जरूरी है। जनरली हम हाई नहीं कर पाते लेकिन हमें करने की जरूरत है। हम हमारी लाइफ में तमाम तरह के इवेंट आते जाते रहते हैं, हम उन इवेंट में स्टक होते हैं, जो आज प्रेजेंट है उसमें नहीं जी पाते, उसकी वजह से हमारी एनर्जी धूमिल होती है, कमज़ोर होती है, या यूँ कहूँ कि हम नीचे की तरफ जाते हैं, या नेगेटिव एनर्जी के साथ में हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ये प्लीज़ करके देखना है कि अगर हमें अपनी साइकिक पावर से
कनेक्ट होना है, या यूँ कहूँ कि अगर आपको और सिंपली मैं समझा सकूँ कि अगर आपको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना है तो आपको अपनी साइकिक पावर को इन्हेंस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जैसे मैंने अभी बताया कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओवर द नाइट या ओवर डे या ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मोर टाइम, लेकिन ये हो जाता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इसके साथ में दोस्तों और भी बहुत सारी बातें थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो गई। आप स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज वो लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप पर, व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, नीचे आपके फ्लैश हो रहा है डिस्प्ले पर 7895591900 पर आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी वीडियो का सिलसिला आना शुरू हो रहा है तो ये होता रहेगा, लेकिन अगर आपको वीडियो के आप एडिक्टिव हो, हमारे एडिक्टिव हो, तो आप प्लीज़ हमारी बुक को भी रेफर कीजिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ वही बुक में लिखा हुआ है। कम से कम हजारों लोगों ने वो बुक खरीदी है और सबका फीडबैक जो है हम अपने व्हाट्सएप पर फिर से लगाएंगे, यूट्यूब पर एक वीडियो भी बना देंगे ताकि आपको पता चल सके कि लोग हमारी वीडियो के बारे में या हमारे जो बुक है उनके बारे में क्या सोचते हैं, ताकि आपको एक इनसाइट मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आने वाली इसी तरह की और वीडियो में बहुत कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपको कम से कम दूसरे लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।